नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएसआर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ जया हनुतिया। आइए नजर डालते हैं सुपर सेवन खबरों पर। पीएम मोदी आज 7 करोड़ अन्नदाताओं को देंगे 14,000 करोड़ रुपए का तोहफा। जारी रहेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। बजट में हो सकती है दूसरे चरण की औपचारिक घोषणा। बढ़ सकता है ई नेम स्कीम का दायरा। देश में जानलेवा साबित हुई ठंड। यूपी में साल के पहले दिन ठंड से हुई 31 लोगों की मौत। मौसम विभाग के अनुसार अभी और गिरेगा पारा। कई राज्यों में बारिश की भी संभावना। राजस्थान के कोटा में जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत का सिलसिला जारी। पिछले 2 दिन में 9 और बच्चों की हुई मौत, जिसके बाद 100 तक यह आंकड़ा पहुंचा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर साधा निशाना। गणतंत्र दिवस पर नहीं दिखेगी पश्चिम बंगाल की झांकी। केंद्र से प्रस्ताव को नहीं मिली मंजूरी। एक्सपर्ट कमेटी ने इस साल के लिए 16 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 6 मंत्रालयों की झांकी को मंजूरी दी है। रेलवे द्वारा किराया वृद्धि के बाद अब यूजर चार्ज वसूलने के प्रस्ताव। 4 पैसा प्रति किलोमीटर तक हो सकता है यूजर चार्ज। यूजर चार्ज के द्वारा रेलवे को 1 साल में मिल सकता है 2300 करोड़ का फायदा। नए साल के पहले दिन एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र प्रमोट कर डीआईजी बनाई गई। अन्य 14 आईएएस अफसरों को भी किया गया प्रमोट, जिनमें से 4 को आईजी डीआईजी बनाया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के लिए तारीखों के ऐलान के बाद तीनों प्रमुख दलों भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने की तैयारी तेज। 15 सालों तक लगातार दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहने वाली कांग्रेस पार्टी खासतौर से इस बार तेजी दिखाती नजर आ रही है। सुपर सेवन खबरों में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए जेएसआर टाइम्स।